संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की समरसता रथ यात्रा सुर्खी विधानसभा के 5 मंडलों से निकाली जा रही है, जिनको बुधवार के दिन राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी समरसता रथ यात्रा है सुर्खी विधानसभा से अलग अलग ग्रामों में पहुंचेगी, जहां से ग्रामीण द्वारा एक एक मुट्ठी मिट्टी का एकत्रित की जाएंगे। इस मिट्टी को मकरोनिया के बरतूमा में बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले मंदिर व परिसर में योगदान स्वरूप प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि संत रविदास जी महाराज हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपनी भक्ति व दोहों के माध्यम से समाज को समरसता का संदेश दिया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि संत रविदास जी बहुत ही दयालु थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। उन्होंने कहा कि सुर्खी विधानसभा में जो समरसता यात्रा निकाली जा रही है उसमें किसी भी प्रकार का दान देने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़े रविदास मंदिर का निर्माण सागर जिले के बरतूमा ग्राम में किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से 11 एकड़ जमीन पर संत रविदास जी मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। संत रविदास जी मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे।